आज अभी गई थी बीच में। हाँ टेम्पो भी पलट गया था एक बार यहाँ पे केनाल में। हाँ अभी 3-4 दिन का ही किस्सा है, दो लड़के केनाल के अंदर गिर गए थे एक्टिवा लेके, और हमारे बच्चे भी गिर चुके हैं यहाँ पे, मर भी चुके हैं। हाँ मर भी चुके हैं हमारे बच्चे भी। नमस्कार आदाब, आप तक समाचार में स्वागत है आपका। अहमदाबाद में स्कूलों पर जब ये शिकंजा कसा गया AMC के द्वारा, इस तरह की चेकिंगें शुरू हुई थी जहां पर फायर सेफ्टी का अभाव था, बच्चों की जान को खतरा था, उन तमाम स्कूलों के अंदर AMC ने अपनी तरीके से कार्यवाही की, तमाम स्कूलों को सील किया गया और कुछ जो है उनके लाइसेंस रद्द किए गए, और उसके बाद BU परमिशन नहीं थी, उन तमाम स्कूलों को रद्द किया गया। ये तमाम हुआ अग्निकांड के बाद स्कूलों की सेफ्टी को लेकर, बच्चों की सेफ्टी को लेकर और बच्चों की जान हानि को खतरा ना हो उसको लेकर। लेकिन अहमदाबाद के वटवा में एक ऐसा भी सड़क है, ऐसी सड़क इलाका है जहां पर स्कूल के ही बच्चे गुजरते, अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वहां क्यों ध्यान नहीं दे पाती? फायर सेफ्टी का अभाव तो तमाम स्कूलों में चेक किया जाता है, लेकिन मैं कैमरामैन से अनुरोध करूँगा कि अहमदाबाद के तमाम स्कूल के एक बच्चे हैं, बेटा कौन सी स्कूल है आपकी? किशनपुर पब्लिक स्कूल के बच्चे हैं, और तमाम बच्चे यहाँ इस सड़क से गुजरते हैं और ये पूरी कैनाल खुली नज़र आती है जब बच्चे स्कूल जाते हैं और स्कूल से छूटकर वापस घर को लौटते हैं। इनकी सेफ्टी कुछ नहीं है, इनकी जिम्मेदारी कुछ नहीं है, ये बच्चे हैं और इनके अंदर बचपना मौजूद है, क्योंकि जब ये स्कूल से घर जाते हैं तो एक दूसरे को धक्का मुक्की मस्ती ये शरारतें करते हुए जाते हैं। खुदा ना खास्ता अगर कोई ऐसी घटना होती है, कोई ऐसा हादसा होता है कि इन बच्चों को मस्ती के वक्त उस कैनाल में गिरना पड़ता है, पानी काफ़ी रफ्तार से गुजरता है यहाँ से और बच्चे यहाँ से अपनी जान की जोखिम पर जो है निकलते हैं और घर पहुँचते हैं। इनके माता पिता भी इंतज़ार करते हैं कि हमारा बच्चा सही सलामत गया है, लेकिन लौटेगा या नहीं उसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इस तरह की ये जो कैनाल है पूरी ही खुली मिलेगी आपको। ये जो तमाम मासूम बच्चे हैं, हम एक एक करके यहाँ के लोगों से भी बात करेंगे क्या कुछ हकीकत है, कब से ये कैनाल को समारकाम नहीं हुआ और इन बच्चों को हालाही का सामना मोड़ना पड़ता है। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़ुबैर खान पठान, सामाजिक कार्यकर्ता और अहमदाबाद शहर महामंत्री माइनॉरिटी डिपार्टमेंट कांग्रेस से। मैंने कई बार कॉरपोरेशन में यहाँ पर आवेदन पत्र दिए, लेटर दिए, यहाँ के लोकल लीडरों से बात करी है, यहाँ पे कॉरपोरेटर है उनसे भी बात की है, लेकिन इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं आ रहा है। मैंने 2 साल पहले सोशल मीडिया पे भी यहाँ पर की वीडियो अपलोड करी थी। एक मिनट में रोकना चाहूँगा कि कुछ पेरेंट्स से उनसे भी बात करेंगे हम लोग कि आप अपने बच्चे को जब स्कूल में लेने आते हो किस तरह का खतरा देखते हो आप? ये कैनाल खुली, अगर आप तो लेने आते हो, कई माँ बाप ऐसे जो लेने नहीं आ सकते, ये कैनाल सड़क खुली है, इसी सड़क से आपका बच्चा स्कूल जाता है, बच्चे मस्ती करते ही जाते, कितना भी अपने मना करो बच्चे तो मानते नहीं, वो तो जोखिम है ही है, वो तो डर लग रहता है, इसलिए तो हम जाते आते और आने जाने में बहुत दिक्कत भी होती है, बहुत ज़्यादा डर लगती है कि कब हमारा बच्चा, क्योंकि गाड़ियाँ भी इतनी आती जाती है, ऐसा लगता है कि कब धक्का लग जाएगा, कब गिर जाएगा। सरकार को ये बना के देना ही चाहिए क्योंकि बहुत खतरा है बच्चों के लिए, गाड़ी वालों के लिए, सबके लिए। और ऐसे कहीं हादसे भी हुए होंगे कि इस केनाल? बहुत हुए, अभी 3-4 दिन का ही किस्सा है, दो लड़के केनाल के अंदर गिर गए थे एक्टिवा लेके। अभी 3-4 दिन? हाँ 3-4 दिन पहले चिराग वाले के वहाँ पे आया था ये केस। बेटा क्या लगता है, कितना डर है आपको यहाँ? हाँ बहुत ज्यादा डर है। हादसा भी हुआ है? हाँ कितना ज्यादा हुआ है? टाइम हुआ थोड़ा, टेम्पो भी पलट गया था एक बार यहाँ पे। अच्छा हाँ केनाल में खुली सड़क की वजह से? हाँ हाँ। तो आप लोगों को डर लगा रहे है? ट्रैफिक भी बहुत होता है, बच्चे हम तो छोटे छोटे बच्चों को रोज लाते रोज ले जाते, इसके लिए केनाल के वजह से साधन आते जाते हैं, इतना चौड़ा होते हुए भी हमको सकड़ा लगता है, रोड के बहुत ही छोटा है, यहाँ पे होना चाहिए सुविधा अच्छी हो जाए। उस दिन भी यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया था, बाहर जाने तो केनाल में आते भैया। ये जो बच्चे हैं स्कूल के, उनके पेरेंट्स हैं, तमाम को खतरा लग रहा है और खतरा दिख भी रहा है कि यहाँ पे किस तरह ट्रैफिक हो जाता है बस देखो। ये इसी सड़क से गुजरती है बसें, और जब ये बस गुजरती हैं तब भी खतरा रहता है इनके पेरेंट्स को, और यहाँ पर ट्रैफिक के एक बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है ट्रैफिक की।
और इस छोटी सी सड़क पर कॉरपोरेशन अब तक कोई ध्यान नहीं दे पाती। यहाँ पर जो है तमाम लोग टैक्स पेयर है, टैक्स भी भरते हैं, उसके बाद भी इनको सुविधा के नाम पर जीरो है यहाँ पर। क्या कहोगे बता, यहाँ पे हम लोग जाते रहते हैं, ये किनार की वजह से आते हैं, ये बस्ती करते करते साइकिल चलाते हलाते, इधर कोई आ जावे हमारे को धक्का दे के चले जावे, हमारे क्या कहते हैं, हमारे को तैरते बैठते तो आता नहीं है, डूब के मारे आएगा, हमारे माँ बाप घर पे रोएंगे। एक बार तो वहाँ से मैं बच गया था, नहीं तो गिर गया था, गाली आता ढूंढ के चला गया था भाई मेरे को। एक बार बच गया, हाँ बच गया, वो तो पता था बच गया था, पकड़ गए भाई। तो रोज ये खतरा रहता ही आपको स्कूल से आना जाना? हाँ हाँ रोज रहता ही है। तो स्कूल में आपने इसकी कंप्लेन नहीं की सर टीचर लोग? नहीं नहीं सर, किसी को नहीं की है सब, और यहाँ कोई भी नहीं देता है? हाँ कोई नहीं देता ध्यान, मत कोई नहीं देता है, ऐसे ही ऐसे ही देता है। ट्रैफिक भी बहुत रहता है यहाँ पर, ट्रैफिक एक बार यहाँ पर ट्रैफिक बहुत रहता है, यहाँ पर बहुत भीड़ लगी रहती है, कोई भी आता है, कोई भी किनारे में गिर जाता है, कोई कुछ हो जाता है, अभी तो किनारे से आपकी तो गिर जाती थी, लास्ट भी गई थी बीच में, हाँ बहुत हुआ आज से यहाँ पर, बहुत कुछ हुआ यहाँ पर, मुहर्रम लास्ट गई है मुहर्रम के दिन, हाँ हाँ एक दिन तो मैं साइकिल पे जाते आते बच गया गिरते गिरते, नहीं तो मैं अंदर गिर जाता, पाँव फिसल गया था मेरा। चलिए तमाम बच्चे हैं और तमाम के चेहरों पर अभी हंसी खुशी है, लेकिन इनके भीतर जो छुपा डर है वो कहीं नहीं दिखाई देगा, क्योंकि ये मासूम बच्चे हैं और मासूम बच्चों को अपनी मौत का जो डर है वो भीतर छुपा हुआ है, वो कभी बाहर नहीं आएगा। ये खेलते हंसते बच्चों की ज़िंदगी के साथ सरकार खेल रही है, और कभी भी इनकी ज़िंदगी को खतरा हो सकता है, ज़िंदगी को खतरे का मोड़ लेना पड़ सकता है। रजूआत करने के बाद क्या कुछ आश्वासन दिया गया आप लोगों को? जी सर, जब मैंने रजूआत करी उसके बाद बहुत सारा हुआ पहुआ कॉरपोरेशन में, ये वो हुआ, फिर इन्होंने कॉरपोरेशन ने वालों ने आकर यहाँ पे एक पत्रे लगाए हुए थे, लेकिन आप देख सकते हो उन्होंने पत्रे लगा के संतोष हो गए कि अभी ये पत्रे लगाए हमने बजट पास हो गया, थोड़े से दिन में काम हो जाएगा, लेकिन अभी तक इन्होंने यहाँ पर पत्रे लगाने के बाद पत्रे भी निकल चुके हैं, टूट गए हैं, क्योंकि यहाँ एक्सीडेंट होते रहते, ट्रैफिक बहुत होता है, लेकिन ना कॉरपोरेशन सुन रही है ना कोई अधिकारी सुन रहा है, पता नहीं क्या करना चाह रहे कॉरपोरेशन वाले। अभी आप देख रहे हो कि जान हानि हो रही है स्कूलों में, ट्यूशन में आग के बनाव बन रहे हैं, मतलब यहाँ पे कोई चीज़ की सेफ्टी नहीं है। इस साइड तो टूटी हुई है, और उस साइड आप जाओगे घोड़ा सर के उस साइड जाओगे तो वहाँ पर दीवार बनी हुई है, दीवार के ऊपर रेलिंग भी लगी हुई है, तो ये भेदभाव क्यों है हमें ये समझ में नहीं आता है। यहाँ पर आप देखो दीवार टूटी हुई है, कुछ भी नहीं है, यहाँ पे ना रेलिंग है ना दीवार है। आप उस साइड घोड़ा सर जाओगे तो वहाँ दीवार बनी है, दीवार के ऊपर 5 से 6 फुट की रेलिंग लगी हुई है। तो ये कॉरपोरेशन गवर्नमेंट क्या चाहती है, कोई जान हानि चाहती है कि कोई बच्चा मर जाए या कोई नुकसान हो? मैंने बहुत बार रजूआत करी सोशल मीडिया पर, मैंने जब अपलोड करी थी वीडियोज़ वगैरह, उसके बाद इन्होंने पत्रे लगाए, लेकिन सोल्यूशन अभी तक नहीं है। तो एक साल के बाद जब कॉरपोरेशन के चुनाव आने वाले, अहमदाबाद का मेयर चुना जाएगा, अहमदाबाद के कॉरपोरेटर चुने जाएंगे, अब जब आपकी ये मांग रहेगी कि आप पहले हमें ये काम करके दीजिए उसके बाद यहाँ से वोट मांगिए, जी हम वोट देने को तैयार, हम आपको वोट दे रहे हैं, वोट लेने के लिए घर पर आते, हाथ जोड़ते, ये वगैरह सब करते हैं, और हम लोग सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन ये वोट के टाइम पे है। अभी इनको ये काम अगर करा ले तो इनका क्या है, बजट है, सब कुछ है, लेकिन काम नहीं हो रहा है। आप लोगों की ये नीति रहेगी या फिर उस वक्त आपकी जो बस्ती है वो कहीं ना कहीं उनको वोट दे देगी, आप ये जीत पकड़ के बैठोगे कि आप पहले इसका समार काम कीजिएगा, दीवार बनाइएगा, उसके बाद वोट ले जाइएगा? जी सही, हम यही करेंगे, हमको वोट देना है, हम जागरूक नागरिक है, हमारा हक है, हम वोट देंगे, लेकिन उसके पहले यहाँ पर काम होना चाहिए, बिगर भेदभाव के, कोई भी रहता हो, कोई भी कौम का हो, लेकिन काम परफेक्ट होना चाहिए। वोट तो हमने सभी को दी है, आप भी जानते हैं वोट हमारा फर्ज है, हम वोट दे रहे हैं, हम हकदार है। आप जब वोट ले रहे हो तो हमारे एरिया में काम क्यों नहीं हो रहा है? बजट भी है आपके, ऐसा नहीं कि बजट नहीं है, बजट होने के बावजूद भी यहाँ पर काम नहीं हो रहा है। बस हम यही सरकार से मांग चाहते हैं, हमारे कॉरपोरेटर से, हम उनको बुरा भला नहीं कह रहे, लेकिन सर आप लोग बजट कहाँ वहाँ पर रहे हो, बजट है आपके पास तो यहाँ पर काम तो करो। काफ़ी बच्चे, ऐसा नहीं 10-20 बच्चे, आप देख लो कितनी तादाद में बच्चे जा रहे हैं यहाँ पे, और सभी कास्ट के बच्चे जा रहे हैं। तो प्लीज़ हम आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि आप कुछ भी करो सर, बजट है, आप यह बजट लेके यहाँ पे दीवार रेलिंग लगाओ ताकि कोई जान हानि ना हो या माल हानि ना हो सर। चलिए इन तमाम खबरों के बीच एक ये भी सुनने को मिला कि सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास की राजनीति का नारा लेके चलने वाली भारतीय जनता पार्टी की अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन भेदभाव की राजनीति कहीं ना कहीं खेल रही है, और भेदभाव की जो है विकास की कामगिरी भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। इन भाई साहब का कहना है कि घोड़ा सर किशनपुर के पास यदि आप जाते हैं तो वहाँ की केनाल पर एक वॉल बनी हुई है, आरसीसी वॉल के ऊपर भी जो ग्रिल लगी हुई है लोखंड की एंगलें लगी हुई है, और यहाँ पर जब आते हैं वटवा
जो माइनॉरिटी विस्तार है, लघुमती समाज के लोग बड़ी तादाद में यहाँ पर बसते हैं, वहाँ पर टूटी हुई दीवारों को भी समारकाम नहीं किया जाता है, आरसीसी वॉल को भी खड़ी नहीं की जाती है। जब बहुत यहाँ पर प्रेशर होता है तो मैं कैमरामैन से कहूँगा कि वो इस तरह के पत्रे जो है वो लगाकर इनको जो है लॉलीपॉप दिया जाता है, आश्वासन दिया जाता है कि हमने आपके यहाँ पर जो है आपकी एप्लीकेशन थी उस पर काम कर दिया गया है। लेकिन आने वाले समय में अहमदाबाद वटवा की जनता जो है जागरूक होने जा रही है, और इनका कहना है कि अब जब वोट मिलेगा, जब ही उनको वोट मिलेगा तब यहाँ की जो है काउंसिलर, जितने चारों चार जो काउंसिलर हैं यहाँ पर हमारा काम करेंगे, चारों चार भारतीय जनता पार्टी से काउंसिलर है जो जीत कर आते हैं, जब यहाँ पर विकास का काम होगा, इनके बच्चों की सेफ्टी का जो है ख्याल रखा जाएगा, उसके बाद यहाँ की जनता वोट डालेगी। आने वाले दिनों में ये देखना, एक साल में कॉरपोरेशन का इलेक्शन है, ये देखना है कि कब तक इनके जो है इन कामों को सुना जाएगा, इनके जो है रजूआतों पर संज्ञान लिया जाएगा और उन्हें सही तरीके से न्याय मिलेगा और भेदभाव की राजनीति से भारत को और गुजरात के लोगों को दूर रखा जाएगा। चैनल देखो भाई खुली है, हमारे बच्चे अंदर गिर जाते हैं, कोई देखने वाला नहीं है, खाली यहाँ वोट लेने आते हैं, और हमारी गटरों का भी कोई वो नहीं है, गटर का पानी भी हमारा बाहर जाता है, और ये कैनल भी खुली है। देखो आगे जाके देखो, आगे की कैनल सारी बंद है और हमारी कैनल सारी खुली है। हम बहुत हैरान होते हैं, बच्चे भी हैरान होते हैं, हमारे सब बच्चे स्कूल मदरसे जाते हैं, और हमारी प्रजा भी सब वोट लेने के लिए सब इधर आते हैं। अब हमारे पास कोई वोट लेने आए ना, हम भी हमारे उस पर ही रहेंगे, फिर हम किस, हाँ अगर काम करेंगे तो हम वोट देंगे, नहीं तो हम भी हमारे उस पर ही रहेंगे। देखो आप हमारी कैनल को भी देखो, खुली रहती है हमेशा के लिए, और हैरान रहते हैं हम लोग, और गटर का भी कोई वो नहीं है, हम सब है बहने हैरान है, सब पूरा मोहल्ला आगे पीछे सब मुसलमानों को बहुत तकलीफ दे रहे हैं वो लोग। कहीं ना कहीं भेदभाव की राजनीति देख रहे हो आप, घोड़ा सर में तो कैनाल बनी हुई है, है भेदभाव तो इतना है कि आगे देखो तो कैनाल पूरी बंद है और इधर देखो तो पूरी खुली है, और हमारे बच्चे भी गिर चुके हैं यहाँ पे, मर भी चुके हैं हमारे बच्चे भी, कौन देखने वाला है, कोई देखता नहीं है भाई हमारे को, हमारे बच्चे भी कितनी बार गिर चुके हैं, रिक्शाएं गिर चुकी है, गाड़ियां गिर चुकी है, सब गिर चुके हैं अंदर, कोई नहीं ध्यान देता है, कोई भी नहीं। हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारी तरफ ध्यान दो और हमारा कुछ करो, नहीं तो हम भी आगे कुछ करेंगे। हाँ तो आप लोग सब इकट्ठा होकर जाइए कॉर्पोरेशन ऑफिस। हाँ तो जाएंगे वो भी हम रखते हैं कि हम जाए कॉर्पोरेशन में जाके बोले कि देखो ये सब हम हैरान है, ये पूरा मुसलमान का एरिया है, हमारी तरफ कोई भी ध्यान नहीं देता है, हाँ कोई भी नहीं देता है, और आगे तुम देखो वो हिंदू के एरिया में, और वोट लेना हो तो मुसलमान चाहिए, और नहीं काम करना है तो नहीं दिखते हैं मुसलमान, नहीं दिखते हैं जीत जाने के, हाँ जीत जाने के बाद बोले हमने किया ये किया ये किया, कोई कुछ नहीं करता है हमारे लिए। हाँ अभी तो बच्चे भी जाते, हाँ स्कूल के बच्चे भी जाते हैं, और अभी तो कैनाल चालू है, अभी जाए तो वापस नहीं आवे वो। अच्छा, हाँ पानी बह रहा है। और क्या, पानी चालू है, वो तो जोखिम ही है ना यार, और कैनाल भी ऐसी बनाई ले कर जो बचाने जाए वो भी वापस ना आवे, हाँ कहे पहले सीढ़ी लगे ली थी, अभी तो सीढ़ी भी नहीं है उसमें, समझे ना, उसको भी निकलना भारी पड़ जाता है। ये जो कैनाल है, ये कैनाल पूरी टूटी हुई है, इसके अंदर ना तो कोई ध्यान कर रहा है, ना ही कॉरपोरेशन इसके बाजू देख रही है, ना ही कॉरपोरेशन ये बाजू देख रही है कि ना कोई, और भेदभाव का इन लोगों ने जो चक्कर चलाया है हुआ है। ईशनपुर बाजू देखो तो कैनाल के अंदर पूरी कैनाल बनी हुई है और ऊपर जाली लगाई हुई है, यहाँ कोई मुसलमान इलाकों के अंदर ना कोई देख रहा है, पूरी कैनाल टूटी हुई है, पानी बह रहा है, स्कूल के बच्चे आते जाते हैं, कोई गिर गया तो कौन जवाबदार होगा। अच्छा, आप इतने साल से रहते हो यहाँ पर, कितने मुस्लिम आगेवान, कितने मुस्लिम नेता उन कॉरपोरेटरों के साथ, उन विधायकों के साथ आपके घर भीख मांगने आए हैं, क्या आप इनको वोट दीजिए, इतने कितने मुस्लिम आगेवान है जो अब यहाँ पर दिखाई भी नहीं पड़ते। यहाँ तो कोई आता नहीं है, चाहे आगेवान तो होंगे, डरे बिना नाम लीजिए यहाँ के आगेवानों का, कांग्रेस के है चाहे किसी के भी है, मेरे को नाम मालूम नहीं, यहाँ कोई है ही नहीं आगेवान, यहाँ तो खुद आते हैं और वोट मांग के चले जाते हैं, और ना ही अब यहाँ फिर वोट के टाइम पे आते हैं, फिर अपने उनको फ़ोन करते हैं तो फ़ोन भी नहीं उठाते, ना ही कोई बात करते हैं। अच्छा, आगेवान को अपने नहीं, अपने कालू भाई भरवाड़ है जो अपने यहाँ का, उसको बुलाते तो आता है, वो जो अपक्ष से जीते, वो अपक्ष से जीते, उनको बुलाते हैं, हाँ आते हैं उनको, आते उनको आपने इसकी उनको बताया था ये, तो उनने पत्रे लगवा दिए थे तात्कालिक,
बराबर समाधान नहीं है। पतले बल्लियां सड़ गई, पतरे वापस अंदर घुस गए, समझे ना पतरे। ईसनपुर हुआ वो होना चाहिए। हाँ ऐसा अच्छा काम हो जाए एक बार तो कोई टेंशन नहीं ना उसमें यार। चलिए भेदभाव की राजनीति का जो आपने यहाँ पर एक उदाहरण देख रहे हो, और उदाहरण के साथ साथ इनके जो मुँह जबानी भी आप सुन रहे हो कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के शासन में हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, भेदभाव की राजनीति खेली जा रही है, और विकास को भी जो है एक तरफ हिंदू बताया जा रहा है, एक तरफ मुस्लिम विस्तार में विकास को रोका जा रहा है। आने वाले दिनों में ये जनता जागरूक हुई है। कालूभाई भरवाड़ जो निर्दलीय चुनाव जीते हैं, अपक्ष से जीत कर आते हैं, वो एक इनकी जो है रजूआतों पर काम करते हैं, लेकिन बाकी जो पार्टियों से जीत कर आए हैं भारतीय जनता पार्टी के विधायक, वो कहीं भी दिखाई नहीं पड़ते और इनकी रजूआतों को सुनते नहीं हैं। जिस तरह से घोड़ा पर घोड़ासर और हिसनपुर की रजूआतों को सुना जाता है और उनके विकास का काम देखा जाता है।